आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन हमसे बोला है कि a coil, one turn is made of a wire of a certain length and then from the same wire of the same length a coil of two turn is made, ठीक है? If the same current is passed through both the cases, then the ratio of magnetic induction at the centers will be what? ठीक, तो हमें पता है कि जो magnetic induction होता है center पे, वो हमारा क्या होता है? जैसे ये हमारी एक सर लूप है ना, इसके अंदर I current पास हो रहा है, तो हमारे इसके center पे जो magnetic induction उसकी value क्या होती है? B is equals to mu naught Ni upon 2R, है ना? यहाँ पे जो हमारा N है वो number of turns है और R यहाँ पे इसकी रेडियस है, ठीक। तो हमें फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है कि कोइल हैविंग वन टर्न, है ना, हमारी इनिशियली एन की वैल्यू वन है, ठीक है, और इज मेड फ्रॉम ए वायर ऑफ सर्टेन लेंथ, तो जो हमारी उसकी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है वो हमें एल दी हुई है ना, जैसे ये हमारा वायर है इससे हम बनाएंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, है ना, तो उसकी सर्कमफ्रेंस एल दी हुई, तो एल इज इक्वल टू 2πr, मतलब बेसिकली जो रेडियस है वो हमें एल अपॉन 2π गिवन है, ठीक है, ऑफ द सेम लेंथ। अब हमने क्या किया, इसी वायर को, है ना, जिसकी लेंथ एल थी उसको दो टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट, तो हमारी एन की वैल्यू 2 कर दी। तो अगर हम इसको दो टर्न्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस वो क्या हो जाएगी, एल बाई 2 हो जाएगी, है ना, मतलब पहले एक बन रहा था, मतलब अब इसके अंदर दो बना दिए, तो हमारी जो सर्कमफ्रेंस वो एल बाई 2 हो जाएगी, है ना, तो एल बाई 2 इज इक्वल टू 2πr, तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारा r आ जाता है l अपॉन 4π, है ना, l बाई 2 अपॉन 2π। तो बेसिकली जो हमारा नई रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पुराने वाले की हाफ है ना, हमारा r क्या था, l अपॉन 2π, तो r डैश जो हमारी नई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी दैट इज हाफ ऑफ ऑड वन, है ना, r डैश इज इक्वल टू r बाई 2 एंड न्यू नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 2, n डैश हमारा 2 है। तो हमारी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हमारी मान लो ये थी, है ना, इनिशियली क्या थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू इनिशियल म्यू नॉट, एन की वैल्यू हमारी 1 थी, है ना, एन 1 इंटू आई अपॉन 2R, ठीक है, ये थी हमारी। अब फाइनली क्या होगी, मतलब नए वाले सिस्टम के अंदर ये म्यू नॉट, एन की वैल्यू हमने 2 कर दी, ये हमारा आई रहेगा, है ना, अपॉन 2R, और जो R डैश, तो R डैश क्या हमारा R बाई 2, है ना, तो R बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गया, ये यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये 4 म्यू नोट आई अपॉन 2R और ये क्या हमारा म्यू नोट आई अपॉन 2R। तो बेसिकली जो हमारी नई मैग्नेटिक फील्ड है वो ओल्ड वन की 4 टाइम्स हो गई, है ना, तो हमारी B डैश जो है वो 4 टाइम्स ऑफ B आ जाती है, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा फिर, रेशियो B डैश अपॉन B का रेशियो हमारा 4:1 आ गया, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।